हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कढ़ाई पनीर बनाने वाली हूँ, पर ये नहीं पता एग्जैक्टली जैसे बाहर बनती, क्योंकि सबका रेसिपी का स्टाइल अपना अपना एक अलग तरीका होता है। तो इसमें मैं तीनों तरह के पेपर्स ले रही हूँ, रेड, येलो एंड ग्रीन, एंड तीन टमाटो, दो ऑनियन, कुछ कोरिएंडर लीव्स, चिली, गार्लिक एंड जिंजर ले रही हूँ, एंड दो पनीर का पैकेट। आगे मैं और भी इंग्रीडियंट यूज़ करूँगी जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी मैंने थोड़े से ऑनियन, थोड़ी सी गार्लिक, जिंजर एंड एक चिली को भी ग्राइंड कर लूँगी, इसका पेस्ट बना के रख लूँगी। फिर इसके बाद मैं एक टमाटो का दो टमाटो का पेस्ट बनाऊँगी, एक टमाटो को भी चॉप करके रख लूँगी। मैंने सब वेजिटेबल्स कट कर दिए, ऑनियन, कैप्सिकम एंड टमाटो। ये टमाटो की प्यूरी है और आपकी ये ऑनियन, जिंजर, गार्लिक और चिली की पेस्ट बनाई है। धनिया पत्ती मैंने चॉप करके रख दिया और जो दूध की बनाई थी फ्रेश, उसको निकाल के उसका मैंने क्रीम बना लिया है। एंड ये 400 ग्राम पनीर है, पनीर मेरे यहाँ ज़्यादा लगता है इसलिए मैंने 400 ग्राम पनीर लिए थे वेजेस के साथ। अब मैं आपको बनाने की रेसिपी दिखाऊंगी, इन क्या क्या उसके अंदर मसाले लगते हैं मैं आपको देखता हूँ। देखिए, मैंने कसूरी मेथी लिया है डालने के लिए, ये मसाले डाली मेरी, धनिया, हल्दी, मिर्च, जीरा और गरम मसाला, ये सब हाथ का बनाया हुआ है मसाला, घर से कूटा हुआ है। नमक लिया, फिर सरसों तेल। आजकल मैं सब्जियाँ सरसों तेल में बनाती हूँ क्योंकि थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं, अदरवाइज नहीं तो घी में बनाने से और ज़्यादा स्वाद आता है। सरसों तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें सबको हल्का हल्का फ्राई करके सब सब्जियाँ निकाल लूँगी टमाटो को छोड़ के, फिर उसके बाद मैं सबको फिर एक साथ छोड़ूंगी। ये मैंने प्याज हल्का फ्राई करके निकाल लिया है, और मैं जितनी भी कैप्सिकम है सबको फ्राई कर दी। मैंने सारे कैप्सिकम एक साथ डाल दिए है और सबको फ्राई कर रही हूँ, उसको भी हल्का फ्राई करके सबको बाहर निकाल दिया। और मैं सिर्फ पनीर फ्राई कर रही हूँ, पनीर ऑप्शनल है, आप चाय को फ्राई कर भी सकते हैं, चाय को फ्राई ना भी करें, पर आप सोचिए कि सब फ्राई कर रहे हैं तो पनीर भी फ्राई कर रहे हैं। अब सब सब्जी फ्राई करने के बाद मैंने सरसों तेल में जीरा डाल दिया, तो जीरा आ गया अच्छे से, तो वो जो प्याज मैंने पीसा था उसको मैंने सेक लिया अच्छे से। प्याज सेकने के बाद मैंने टमाटर डाल दिया, टमाटर भी सूख रहा है। उसके बाद इसमें सब मसाले डाल दूँगी। आप सबको लग रहा होगा कि कढ़ाई में कुछ जला हुआ है, मुझे जला हुआ नहीं है, तो पनीर फ्राई किया था, पनीर चिकन किया था, तो मैंने कढ़ाई चेंज नहीं किया, उसी बचे हुए तेल में मैंने सब सब्जियाँ प्याज और टमाटर को मैंने सेक लिया, अच्छे से भून लिया। अब देखिए ये हो गया है, मैं गैस की फ्लेम कम कर देती हूँ, अब मैं उसको डालूँगी एक चम्मच हल्दी, दो चम्मच लाल मिर्च, धनिया पाउडर तीन चम्मच और गरम मसाला एक चम्मच, इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये घर का बना हुआ गरम मसाला है। अब स्वाद के अनुसार मैं इसमें नमक डाल दूँगी, मिर्च होकर डेढ़ चम्मच नमक इसमें डाल रही हूँ, जब ये सब तेज छोड़ देगा उसके बाद इसमें मैं कसूरी मेथी डाल दूँगी। देखिए, इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँगी, इसमें एक चम्मच में टमाटर केचप भी डाल दूँगी। देखिए, मसाला अच्छे से भून गया है, ये तेल छोड़ दिया है, अब इसमें जो चौक के भी टमाटर थे टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको उसमें पानी डालूँगी, वो और अच्छे से टेंग छोड़ेंगे। देखिए, हल्का सा टमाटर सॉफ्ट हो गया है, और इसमें एक छोटी थोड़ी पानी डालूँगा, और जब ये पूरा छोड़ देगा तो उसके बाद उसके जो मैंने हाथ से पनीर बनाया थी वो डालूँगी। देखिए, सब अच्छे से हो गया पानी, देखिए तेज हो रहा है, धीरे धीरे बबल्स आ रही है, और
उसके जितनी भी वेजीज थी मैं वो सब डाल दूँगी। देखिए सब वेजीज मैंने डाल दिया है, उसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आपको मेरा हाथ बहुत उल्टा नज़र आ रहा होगा, मैं मुझे कैमरा का स्टैंड सॉरी मोबाइल का स्टैंड लेना था जो मैंने लिया नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं वो ले लूँगी क्योंकि आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, पता नहीं कैसा बनेगा नहीं बनेगा। पर मेरी हर बार हर रेसिपी का टेस्ट अलग आता है तो मुझे भी नहीं पता पर जैसा दिन बढ़ता है वैसा। अच्छा ये सब सब्जियाँ मैंने डाल दी है, ये सब्जियों को सब मिला दूँगी, ये सब हो चुका है। अब इसमें क्या डालूँगी, एक कटोरी दूध, दूध एक कटोरी मैंने दूध डाला है इसमें, पानी बस वो मसाला सेकते समय मैंने डाला था, अब उसमें दूध पानी नहीं डालूंगी, बाद में तो डाल दूंगी। इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच टमाटो केचप, थोड़ा सा इस बीजे डालने से बचा कर थोड़ा सा रखते हैं। जो मैंने मलाई पीसी थी जो होम मेड थी, देखिए ग्रेवी बन गया इसमें। लास्ट में डालूंगी धनिया की पत्ती खूब सारी, सब अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसको लो फ्लेम में ढक कर थोड़ी देर में होने दूंगी और ये लो फ्लेम में इसलिए छोड़ दूंगी कि अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा सब मसाला, एंड उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। उनकी सर्विंग के लिए ये तैयार होगा, ये मेरी आज की रेसिपी। हाँ मैंने आज एक रेसिपी और बनाई है, रेसिपी क्या मैंने सब्जी बनाई, मैं आपको सब्जी दिखा देती हूँ। ये तोरू और पापड़ की सब्जी, अगर आप लोग जो जानते हैं ये सब्जी क्या बनती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सब्जी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ये भी बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम आपको ये रेसिपी बना के दिखाऊंगी।